आईपीएल में आप बीच लीग के अंदर प्लेयर जो है वो अपनी फ्रेंचाइज को नहीं छोड़कर जाएगा। अगर वो छोड़कर जाएगा तो उसे 2 साल की पाबंदी लगेगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें तय की गई, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन बहुत करीब आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आरटीएम कार्ड वो किस तरीके से यूज होगा, सारी अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा रिटेंशन पर भी अपडेट्स आ रही है, रिटेंशन पर भी बात करेंगे, कब तक लॉक का बताया गया, लास्ट डेट जो वो रिटेंशन की कब तक है। तो सबसे पहली जो बड़ी अपडेट है जिसके ऊपर बात की गई है, फ्रेंचाइजेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया था कि जो प्लेयर्स हैं ये आते तो जरूर है, हम इनको करोड़ों रुपए देते, लेकिन उसके बाद जब लीग का एंड होता है, जो अहम मैचेस होते हैं, प्ले ऑफ के मैचेस होते हैं, तो ये अपने बैग लेकर वापस चले जाते हैं। हमारे करोड़ों रुपए भी जाया जाते हैं और जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 80-80 मैचेस हमें देखने को मिलते हैं आईपीएल के अंदर। और आप समझ लें कि एक प्लेयर अगर 70 मैचेस खेल रहा है लगातार, फिर उसके बाद वो 10-15 मैचेस अपने छोड़ दे, तो टीम का कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर बड़े बड़े प्लेयर इंग्लैंड के जो थे वो छोड़कर चले गए थे, जैसे जोस बटलर हो गया, बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे इंग्लैंड के जो आईपीएल को बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके ऊपर इस बार फ्रेंचाइजेस ने साफ साफ कह दिया है। अपनी जो मीटिंग हुई है उसमें कहा है कि भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों रुपए तो जाया जाते ही जाते हैं, उसी के साथ साथ ये टीम का कॉम्बिनेशन भी बिगाड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन में जोस बटलर गया था। तो अब फ्रेंचाइजेस को इत्मीनान दे दिया है, जो गवर्निंग मीटिंग में ये कहा गया, जो बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है आईपीएल की, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि अब जो भी लीग को बीच मैच में अधूरा छोड़कर जाएगा, यानी कि आधे मैचेस वो खेलता है आधे नहीं खेलता है, फिर किसी भी वजूहत से, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं वो काफी अक्सर ये करते हैं कि घर की मसरूफियात की वजह से हम जा रहे हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, कोई करेगा तो उसके ऊपर 2 साल का बैन लगेगा, यानी कि वो 2 साल आईपीएल नहीं खेल सकेगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकेगा, बल्कि आईपीएल नहीं खेल सकेगा, क्योंकि ये आईपीएल के रूल है तो आईपीएल के अंदर ही चलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल आईपीएल नहीं खेल सकेगा। अब जो प्लेयर आएगा वो सोच कर ही आएगा, उसको पहले ही बता दिया जाएगा, अगर आपने बीच मैच में जाना है या फिर कहीं निकलना है आपने आधी जो आईपीएल है वो खेल कर, तो अब अभी से बता दें, यानी कि आप अभी ही ना आए इस टीम के अंदर, अभी आप खेले ही ना तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप बीच टूर्नामेंट के अंदर गए तो आपको फिर 2 साल का बैन हो जाएगा। तो अब ये प्लेयर्स मेरे हिसाब से तो वैसे भी नहीं जाते, लेकिन अब इस बार जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2 साल हमने आईपीएल ना खेला तो हमारा जो करियर है पैसों वाला वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो थी इस चीज़ की। अब दूसरी अपडेट है आरटीएम कार्ड की, कुल मिलाकर 3 अपडेट है। आरटीएम कार्ड का कैसे यूज होगा वो भी काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि आरटीएम कार्ड जो इसमें दिया गया है वो कैसे यूज होगा। सपोज कर लें कि आपका कोई प्लेयर है, फर्ज कर लें कि विराट कोहली, फर्ज कर लें कि राजस्थान रॉयल्स या फिर कोई और फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस बिड करती है, अपना 15 करोड़ के ऊपर जाती है, फर्ज कर लें आप, ठीक हो गया। आप देखो, आप मुंबई जैसी 15 करोड़ के ऊपर गई तो वहां पर आरसीबी अपना आरटीएम कार्ड यूज कर देगी, वो वापस उसे अपनी टीम में शामिल कर लेगी। मतलब वो भले जितने करोड़ लगाती रहे, आरटीएम कार्ड उन्होंने यूज कर लिया, अगर उनको चाहिए प्लेयर विराट कोहली आरसीबी को तो वो अपनी टीम में दोबारा शामिल कर लेंगे। दूसरे नंबर पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर पैसे ज्यादा बढ़ गए, 3-4 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए मुंबई ने विराट कोहली के ऊपर, तो अगर अपना आरसीबी चाहेगी कि यार हम इतने करोड़ रुपए विराट को दें, तो वो फिर आरटीएम कार्ड का यूज करके टीम में शामिल कर लेगी। अगर ऐसा ना हुआ, आरटीएम कार्ड का यूज ना करना चाहे, तो वो नहीं कर सकती कि हम इतने पैसे जाया नहीं कर रहे, तो विराट मुंबई में चला जाएगा। ऐसे सिंपल आरटीएम कार्ड का यूज किया जाएगा इस टूर्नामेंट में, विराट के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन मैंने एक चीज करके बताइए, एक्सप्लेन किया आपको, ऐसे होगा आरटीएम कार्ड का यूज। दोबारा आपको कर देता हूँ, फर्ज कर लें कि विराट कोहली आरसीबी में, वो बाहर जाते हैं ऑक्शन की तरफ, अब वहां पर उन्हें मुंबई इंडियन अपना करोड़ों रुपए लगा देती, 10-15 करोड़, 10 करोड़ रुपए लगा देती है। अब आरसीबी क्या करेगी कि वहीं पर आरटीएम कार्ड जो वो यूज कर लेगी, अपनी टीम में शामिल कर लेगी, फिर उसके बाद दोबारा अगर मुंबई ने 3-4 करोड़ रुपए बढ़ा दिए और फिर दोबारा अपना जो विराट कोहली है मुंबई की तरफ होंगे, अगर आरटीएम कार्ड तब आरसीबी यूज करना चाहे, ज्यादा पैसे देना चाहे 3-4 करोड़, तो वो दोबारा उससे अपनी टीम में आरटीएम कार्ड यूज करके शामिल कर लेगी। ये 2 किस्म के रूल है आरटीएम कार्ड के, थोड़ी बहुत समझने वाले, लेकिन ऐसे ही होगा, आरटीएम कार्ड का सिंपल यूज है। फिर जो तीसरी बड़ी अपडेट है वो है रिटेंशन को लेकर के, रिटेंशन कब अनाउंस की जाएगी, क्योंकि गवर्निंग जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो डेट सामने आई है वो ये डेट है कि 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपके पास लास्ट डेट है। आपने वहां पर जो है वो इस सब चीजों को क्लियर करना है, जो अपनी रिटेंशन है, 6 प्लेयर जो जितने भी काब है आपको, वो आपने रिटेन करके आपने लिस्ट जारी कर देनी है सबके सामने।
तो आखिरी जो डेट है वो अक्टूबर 31 रहने वाली है। अक्टूबर 31 के बाद आपकी रिटेंशन बंद हो जाएगी, लास्ट डेट जो है फ्रेंचाइजेस को बता दी गई। बहुत सारे नए रूल आए लेकिन इन तीन रूल के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कल इनकी इन्हीं के ऊपर बात हुई है, जो मीटिंग हुई है वो इन्हीं के ऊपर हुई। जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि प्लेयर भाग जाते हैं, इससे कॉम्बिनेशन भी बिगड़ता है और फ्रेंचाइजेस का पैसा भी जाया जाता है। तो अब जो भी प्लेयर आएगा वो सोच कर ही आएगा, उसे पहले बता दिया जाएगा। अगर आप लीग में छोड़कर चले गए, बीच में ही आपने लीग को छोड़ दिया, आपके ऊपर 2 साल का बैन लगेगा। इसलिए अगर आपने खेलना है तो आप पहले ही पूरा टूर्नामेंट के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर करा दें, वरना तो आप अभी से ही जा सकते हैं अगर आपको कोई मसले मसले। लेकिन दूसरा ये कि अगर आपको ज़्यादा मसला हुआ तो तब आपके ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा, जैसे कि प्लेयर इंजरी का शिकार हो जाता है, ज़्यादा वो खेल लेता है, स्टेट्स में आ जाता है या फिर कुछ और मसले मसाइल, तो आपको उसमें रेस्ट दे दिया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 2 साल का बैन, इंजरी वगैरह या स्टेट में आना प्लेयर आ जाता है, क्योंकि लंबी टूर्नामेंट हमें देखने को मिलती, तो उसमें प्लेयर्स को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर प्लेयर्स ने बहाने वगैरह लगाया, कुछ ऐसा किया अपनी टीम की तरफ से खेलना ये करना, तो उनके ऊपर 2-2 साल का बैन लगाया जाएगा।